اشهد لا اله إلا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالي في القران العظيم

और वो किताबें कौन सी जिनसे के कुरान मुखातिब हो रहा है समय इक्राम नाजरन इक्राम ये जो सिलसिला दर्स का है दर्श दरअसल एक दर्द है दर्द की तकसीम हर मुदरसन का फर्ज है जो भी दर्श देते हैं उनका अपना ये फर्ज होता है कि बात वो जो अल्लाह का कलाम हो अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हो जिससे दुनिया में अमन हो अमन व सलामती का एक पैगाम जो एक आफाकी पैगाम है आकाशवाणी है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बात कही कि ए अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ ए अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरिक है वो कौन सी बात है जो हम में और तुम में मुशतरक है यह अहल किताब से मुखातिब होकर कुरान किससे कह रहा है दुनिया में कई मजाहब हैं मुख्तलिफ़ कौमें हैं मुख्तलिफ, मुख्तलिफ जात समाज हैं और हिंदुस्तान हमारा तो एक धार्मिक देश है जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग रहते बसते हैं जहाँ भा भांत भांत की बोलियाँ बोली जाती हैं जहाँ भिन्न भिन्न के नगमे गाए जाते हैं मुख्तलिफात समाज के लोग मुख्तफ अकीदे से अल्लाह ताली की पूजा करते हैं अल्लाह ताली की इबादत करते हैं लेकिन कुरान करीम का ये फरमान के अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरिक है तो वो कौन सा कलमा है वो कौन सा कलाम है जो अल्लाह ताला ये फरमान जो है कुरान करीम से अहकाम खुदावंदी की सूरत में हमको ये कह रहा है यूँ तो दुनिया में मुख्तलिफ़ मजाइब हैं हर मज़हब में अल्लाह ताला ने हादी भेजे हैं और उन पर किताबें उतारी हैं बहुत सी किताबें दुनिया में वेद हैं शास्त्र हैं पुराण हैं तौरत है इंजील है ज़ुब्बूर हैं इस है, है ओल्ड टेस्टमेंट हैं न्यू टेस्टमेंट हैं अहद में जदीद हैं में ख़दीम हैं अनाजिल अरबा हैं धमोपत हैं और जिंदा वस्ता मुख्तलिफ़ मज़ाहब के मुखलिफ़ किताबें हैं और हर किताब में अल्लाह तला के फरमान है कि आओ एक कलमे की तरफ तो कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए जो सब में मुश्तरक है तो वो क्या है दरअसल वो वहदानियत है अल्लाह की एक अल्लाह के वाह ला शरीक होने की मिसाल है हर किताब में हर धर्म में जो है ना जो है ये बात बिल्कुल वाज तौर पे है कि दुनिया की कोई किताब पढ़ लो चाहे वेद पढ़ो शास्त्र पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो

न विष्णु थी न सूर्य थी न अग्नि था न चांद थे न तारे थे तो वो परमेश्वर परमात्मा कब से है जब से दुनिया जो है ना है जब से अल्लाह ताला जो है वो, वो ला शरीक जो है वो है जैसे और और जो है ना पुराण में ये बात कही गई कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम गिना नियम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्व म्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम वचनम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीत त्रिगुण रही सद्गु तमा गुरुर्ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुर्देव गुरु महेश्वरा गुरुर्साक्षा प्रब्रह्म तस्म श्री गुरु वे नम गुरु दरअसल जो लोग जो गुरु के मुखाम पर होते हैं अल्लाह ताला उनको मुंतखब करके हर समय पर जब जब अधर्मी होती है दुष्ट दुराचार का जोर बढ़ जाता है जमीन पे पाप बढ़ जाता है दाम क्रोध बढ़ जाता है इंसानों के दरमियान जब आत्मिक डिजीज बीमारी आ जाती है तो जिस तरह डॉक्टर की जरूरत होती है उसी तरह अधर्मी असत्य अनाचार को मिटाने के लिए परमेश्वर परमात्मा की तरफ से हर वक्त हर समय पर हर जगह पर अल्लाह ताला ने इंसानों को जो उसके मुंतखब बंदा होते हैं बंदे होते हैं उनको जो है भेजकर इंसानों के दरमियान सत्य क्या है असत क्या है धर्म क्या है अधर्म क्या है अनाचार आचार क्या है अनाचार क्या है इसका परिचय कराकर वो वो जो है बंदों को ईश्वर से मिलाते हैं ऐसा हर समय पे होता है हर समय पर होने की दलील ये है कि हिंदुस्तान की हमारी जो परंपरा है उसमें जो वेद शास्त्र पुराण है उसके अंदर जो है ये बात बिल्कुल वाजे तौर पर खुशूसियत से गीता में ये बात मशहूर श्लोक जो हिंदुस्तान की हमारी जो है मुख्तलिफराये से हम सुनते आ रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्या गिरा निर्भवती भारत अभ्युता नाम धर्मस्या तदात्मा नाम सुरजा महीन परित्रहनाया साधु नाम विनाशाया चुष्कुरताम धर्म समस्थापना संभव जब जब अधर्मी हो जाती है दुष्ट दुराचारों का जोर बढ़ जाता है जमीन पे पाप बढ़ जाता है दाम ध्रोव क्रोध बढ़ जाता है इंसानों के दरमियान ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है तो अल्लाह ताला ने अपने मुंतखब बंदों को आसमान से उतरण कर कर जमीन पर जो है इंसानी रूप में इंसान का रूप धारण करके वो इंसानों के दरमियान जो है सत और असत का परिचय कराने के लिए मुंतखब होते हैं ऐसा हर समय पर होते आया है ये जो है गुरु गुरु दरअसल होता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मय श्री गुरु नम गुरु ईश्वर का, का साक्षात रूप होता है जो इंसान का रूप धारण करके इंसानों के दरमियान इंसानों के दरमियान खड़ा होता है और सत क्या है असत क्या है धर्म क्या है अधर्म क्या है आचार क्या है अनाचार क्या है इसका परिचय कराकर बंदों को ईश्वर से मिलाता है गीता का शुक्र श्लोक इस बात की दलील है कि यदा यदा धर्म से जब जब अधर्मी हो जाती है इंसानों तो के दरमियान ऐसे जो लोग जो है ना इंसानों के दरमियान खड़े होते हैं और सत्य और का परिचय कराकर मानव को ईश्वर से, से मिलाते ऐसा हर समय पे होते आया है कुर्ता युग में जो है अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान लोगों की रहबरी रहनुमाई करने के लिए कुर्ता युग में ओम शिव जी।, जी।, जी को जो है उत्तरण करा और जो, जो, जो है वो, वो जो है सत्रह लाख साल तक जो है वो शिव जी का जो है ना उनके उ, उनके वो उस वक्त के अधिपति थे अधिकारी थे पुरुष थे काल पुरुष थे औतारिक पुरुष थे उनका समय जो है सत्रह लाख साल तक चलता रहा और सत्रह लाख साल तक ओम शिवाय नमो नम ओम शिवाय नमो नम ओम शिवाय नमो नम उस वक्त के वो अधिपति थे अधिकारी थे सतपुरुष थे काल पुरुष थे काल के ज्ञानी थे उनके चरणों में मुक्ति मोक्ष थी उस वक्त वो उत्तरण होकर अवतारिक पुरुष अवतार रूप धारण करके इंसानों की रहब नुमाई करे उसके बाद हमारी परंपरा है बहुत पुरानी है अब ये सत्रह लाख साल खत्म होने के बाद ऐसा ही नहीं हुआ उसके बाद जो है ना फिर के बाद तीर्थायुग आया तीर्थायुग में श्री रामचंद्र जी उतरण हुए और उत्तरण होके कहा कि अब ये समय का अधिपति मैं हूं युग पुरुष मैं हूं काल पुरुष मैं हूं काल का ज्ञानी मैं हूं अब अवतारिक पुरुष मैं हूं अब मेरे चरणों में मुक्ति मोक्ष है अब चलती है तो मेरी करंधी चलेगी मेरा मंत्र चलेगा मेरे चरणों में मुक्ति मोक्ष है तो इस तरह उन्होंने बारह लाख साल तक जो है जमीन पर हुकूमत की उसके बाद कुर्ता गया तिरता गया उसके बाद द्वापार युग आया द्वापार युग में यदा यदा धर्मस्य गिला के अनुसार श्री कृष्ण जी उतरण हुए कृष्ण जी उतर उतरण होकर कहा कि अब जो है ये युग मैं ये युग का अधिपति मैं हूं अधिकारी मैं हूं सतपुरुष मैं हूं काल पुरुष मैं हूं काल का ज्ञानी मैं हूं और अवतारिक पुरुष मैं हूं मेरे चरणों में मुक्ति मोक्ष है अब कोई धर्म कैसा ही हो सो भय भय सिर्फ मेरे चरणों में मेरी करंसी चली गई मैं युग का अधिकारी हूं इसी तरह जो है दोपहर भी गया उसके बाद कलयुग आया अब कलयुग के अधिपति कौन आये लोगो आये हिंदुस्तानियों, एक तुम एक जो है आखिरी नबी आखिरी अंतिम ऋषि लास्ट प्रॉफिट के एक जो है ना इंतजार में है वो जो है कलयुग में आने वाले हैं कल की उनका नाम होगा वो कल की अवतार श्री मदादी विष्णु मत्स्या कोरमा वर्हा वामना राघवा भार्गवा कृष्ण बौद्ध नंतरे कल की ही वो कल की अवतार कौन है आप जो है कल की पुराण पढ़िए वेद शास्त्र पुराण पढ़िए वो विष्णु यशस्वतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम समति परमानंदम कल के बंदे जगत गुरु में वो समति के नंदन है और विष्णु विष्णु कहते हैं ईश्वर को अल्लाह को और यशस कहते हैं बंदे को अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला के बेटे सोमति के नंदन यानी आमिना के लाल वो विष्णु ऐशस्वतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल के वंदे वही जगत गुरु होंगे तो वो जो है कलयुग में कल के अवतार वो शालमल में पैदा होंगे वो जटाधारी रहेंगे वो लिंगस रहेंगे उनके माँ का नाम सुमति होगा बाप का नाम विष्णु में पैदा होंगे शालमल दीप अरबस्तान को कहा गया है मुरस्थल निवास रेतली जमीन वो अरबस्थान है वो जो है पैदा होने वाले वो शख्सियत जो आखिरी नबी अंतिम ऋषि लास्ट प्रॉफिट है प्रॉफिट मोहम्मद है वाजे हो चुकी है हर युग के एक अधिपति आए उन्होंने अपना मंत्र पढ़ाया उस वक्त उनके युग के पुरुष थे काल पुरुष थे उसके बाद लास्ट में अंतम ऋषि जो आए वो सिर्फ किसी एक जात समाज के नहीं, नहीं आए बल्कि सारे ब्रह्मांड के लिए आए जिस तरह अल्लाह रबुल आलमीन है सारे आलम का रब है अल्लाह और वो जो है ना किसी एक जात समाज के लिए हैं। उसी तरह उसने लास्ट में आखिरी में अंत अन्त में अंतम ऋषि प्रॉफिट मोहम्मद को दया सागर सारे जनों के आकाशम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार यही सनातन यही सनातन है और यही खदीम है यही बात बरसों से चले आ रही है कि परमेश्वर परमात्मा जो सारा ब्रह्मांड सजाया जमीन का फर्श बिछाया आसमान से वर्षा होती है झरझर बहते हुए ठंडे पानी के झरनों ने इंसान की बहा की जिंदगी का सामान मुहैया किया तो इंसान की जिंदगी की मादी जरूरत के लिए जिस तरह उसने अल्लाह ताला ने जो, जो सबका खालिक कुल मालिक कुल है खादर कुल है तो उसकी कुदरत ने इंसानों के लिए मादी जरूरत के लिए पूरा सामान मुहैया किया इसी तरह उसने उसकी इंसानों की आत्मरक्षा के लिए जब जब अधर्मी हो जाए हो जाती है अधर्मी हो जाती दुष्ट दुराचारों का जोर बढ़ जाता जमीन पे पाप बढ़ जाता दाम द्रोप क्रोध बढ़ जाता तो इंसानों के दरमियान ऐसे व्यक्ति अवतारिक पुरुष इंसानों के दरमियान खड़े होकर करते क्या है कि भलों को बुरो से बचाते हैं, बचाता हूं मैं बुरो को जहां से मिटाता हूं मैं जड़े धर्म की फिर जमाता हूँ मैं आया हो के युग युग में आता हूं संभवानी युग युग, 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 युग दरअसल हर युग में जो है ना युग के अधिपति खड़े हुए युग के अधिकारी खड़े हुए सत्य असत क्या, सत क्या धर्म क्या अधर्म क्या आचार क्या इसका परिचय कराकर मानव को ईश्वर से मिला अर, ऐसा हर समय पे होता है ये हर समय पे जो युग के अधिपति आती है ये हर समय पे उस परिचय कराने के लिए इंसानों के दरमियान ही ऐसे व्यक्ति खड़े होते हैं खसूसियत खुछ, से मुसलमान सुर फात्या में एक दुआ करते हैं वो दुआ क्या है जो कुरान करीम की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है अल्लाह ताला कुरान करीम फरमाता है कि हमने कुरान करीम और ये सात आयात दिए हैं हर मुसलमान दिल में अड़तालीस मरतबा जो पंज वक्ता नमाजी है ये दुआ जो है करके इस बात की का इरादा करता है और इस बात की ख्वाहिश करता है कि अल्लाह तेरे हम रास्ते से वाकिफ नहीं है तू जो है जिस रास्ते पर जिस रास्ते पर चलने वालों को तूने इनाम किया इनाम से नवाजा जो मुनीम गुरु है, जो ने इनाम गुरु है उन लोगों के पर रास्ते पर चला ये जो 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 है 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 हम दिन में तकरीबन 48 मरतबा और खसूस से आज जुमा है तकरीबन 50 मरतबा जो है हम ये दुआ ये सुरे फातेहा पढ़कर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें उन लोगों का रास्ता चला जिस पर तूने इनाम किया तो वो इनाम याफ्ता ग्रोह होते कौन है कुरान की रूह से तो नबी ना सिद्दीकी ना शोहिन है तो जो है अब अब जो है नबूत तो खत्म हो चुकी नब अब कोई नए नबी आने वाले हैं ना पुराने नबी आने कोई की कोई जो है न पुराने नबी की हजत है अब अब जो है कोई नया कानून आने वाला नहीं है कुरान करीम हमारे लिए एक मश राह है अल्लाह ताला का ये कलाम आकाशवाणी है आसमानी कलाम है अल्लाह इसमें ता हयात तो खमर ता हयात तो व खमर अब ये कानून बदलने का नहीं अल्लाह ने एक मुकम्मल किताब दे दी है वेद शास्त्र पुराण सब में इस किताब का जिक्र है नबी करम का जिक्र है इस्लाम का जिक्र है इसी तरह जो है अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो किताब है वेदों के अनुसार ये तारकम चैवा ऋग्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडल्यम सामवेदो अर्धचंद्रो चंद्रोण बिंदुशा सूक्ष्म वेदोयम पन्न वेदो बीजकम दरअसल ये पर्णो वेद है पढ़े जाने वाली किताब है और यह बीजम बीजकम है बीज है असल है बीज इब्तदा में जब जमीन में बोया जाता है तो जो है ना तनावर दरख्त अख्तियार करके शाखे फूल फल जब आ जाता है तो एक मुकम्मल सूरत में आता है जो इंसानों के, के, के लिए एनर्जी का काम करता है तो इसी तरह ये आखिर में अंत में बीज जो है जब आसमान से जाहिर होकर फल की सूरत में आया तो उसके ताल्लुक से ये कहा गया कि वो पढ़ो वेद जो दरअसल पढ़े जाने वाली किताब है उसको सबूत के तौर पर आज दुनिया में कोई जगह कोई खिता ऐसा नहीं है चाहे वो बर्मा से शुरू होकर जो है ना सम्राट से शुरू होकर अफगानिस्तान के वादियों से होते हुए पूरी दुनिया का चक्कर जब सूरज निकालता है तो कहीं फजर है कहीं जोहर है कहीं असर है कहीं मगरिब है कहीं ईशा है और हर हर जो है ना नमाज में जो है कुरान करीम पढ़े जा रही है उसके अलावा काबतुल्ला जो दुनिया का सेंटर है जिसमें कोई पल कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कुरान नहीं पढ़ी जाती तो पन्नोवेद ये पढ़नो वेद है बल्कि जो है कम है बल्कि पहले का पहले किया गया और इसके तालुक से और कहा गया है कि संकल्प सिद्धम श्लोके संकल्प सिद्धम श्लोके मनोहर ये जो है ना सर्वशास्त्रों का अर्थ है संकल्प सिद्धम श्लोके षठ सहस्राठ सहस्रा शताधिकम सर्वशास्त्रार्थ तत्व नाम सारम सुरती मनोहरम इंसानों के मन को मोह लेने वाली है यहाँ तक के जब ये कुरान सुनकर कोई जो है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर का वाक़ मशहूर है कि आप जो है ये इरादा करके निकलते हैं कि ये जो कलाम जो अपने जो है सुना रहे हैं आज जो है मैं जाके जो है वो वो जो है ना वो उसी उसको उस, उसका खुला खुमा कर दूंगा लेकिन जब आके जब ये कलाम सुनते हैं तो तलवार जो है खदमों पर रख देते हैं तो ऐसा जो है ना सारम सुरती मनोहरम कलाम यह है ये आफाही पैगाम है ये आकाशवाणी है इसके अंदर जैसा कि मैंने अभी ये आयत पढ़ी आपके सामने के अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ जो हम में और तुम्हारे में मुश्तरक है वो कलमा क्या है दरअसल जो है ना देखिए आप रोज मुशाह में देखते हैं आप आसमान से वर्षा होती है सबके लिए धरती सबके लिए सूर्य सबके लिए सृष्टि सबके लिए समार सबके लिए पालन सबके लिए जन सबके लिए मर्म सबके लिए क्या कोई भेदभाव परमेश्वर परमात्मा जो नीली छतरी वाला आसमान पर बैठा हुआ है आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लिए कि भाई भगवान का है ईश्वर कहा है तो हर कोई शख्स ये कहेगा कि वो आकाश पर आसमान पर बैठा हुआ है तो वो जब आसमान से वर्षा बरसाता है चमकता है बरसता है तो कोई भेदभाव नहीं करता तो आप बताइए कि जब ईश्वर परमेश्वर परमात्मा जो सबका मालिक एक है सबका मालिक एक ये बात जो है ना सबका मालिक एक हिंदुस्तान की परंपरा में तो ऐसे आम है जैसे जो है ना हर एक के जबान पर सबका मालिक एक ये साई बाबा जो है ना अपनी किताब जो है एक किताब जो उनकी थी उनकी किताब में उन्होंने लिखा कि ये सबका मालिक एक है वो किताब में उन्होंने जो है ना ये कहा कि अल्लाह सबका मालिक अल्लाह सबका भला करे तो उन्होंने ही कह दिया अरे वो यू ही नहीं कह दिया वो जो है ना ईश्वर परमेश्वर परमात्मा की तरफ से उनके हृदय पे ईश्वर प्रगट होके ये भला बोलो साहिब बाबा सबका मालिक एक लिहाजा उन्होंने ये ऐलान कर दिया अल्लाह सबका भला करे सबका मालिक एक है बोल के इस तरह से जो है ना उन्होंने ऐलान करा ये जो है ना ये हिंदुस्तान की हमारी परंपरा है और किसी से भी पूछिए आप कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि अल्लाह जो है ना दो है अल्लाह चार है अल्लाह इसमें अल्ला है अल्लाह उसमें है ऐसा नहीं है किसी से भी पूछो आपके यही कहेगा तो ये बात जो सबके मन में है सबके दिल में है कि सबका मालिक एक है जब जो है ना मुशायदे में देखे कि आसमान से वर्षा चमकने बरसने में कैसा है सम्राट स्वरूप ईश्वर परमेश्वर अभिद्याय न महा समुद्रायन महा भिक्ष रूपायन न महा शिवायन न महा कैसा सम्राट स्वरूप तो, 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 तो इसी तरह वो जो है कोई भेदभाव इंसानों के दरमियान जब चमकने बरसने में नहीं करता तो आप बताइए कि धर्म में जो है ना वो भेदभाव करके ये लोगों को पाटता और बाटता कैसा था जो लोग अपने आप को बांट लिए हैं लिए हैं ये एक नॉलेज की और ज्ञान की कमी है यही वजह है कि लोग अपने आप को बाट लिए हैं बांट लिए वरना परमेश्वर परमात्मा तो केवलम दिनामूर्तियम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्व मस्या लक्ष्य एकम नित्यम वचन सर्वाधि साक्षीभूतम सबसे अतीत परमेश्वर परमात्मा वाचातीतम मनोतीतम भावातीतम अगोचरम निशून्यम निःशब्दम निरालंबर मुचते कैसा है परमेश्वर परमात्मा सबसे अतीत है ख्याल से ख्यास से बोलने से तोलने से छूने से देखने से सबसे परे परमेश्वर परमात्मा है ये बात तो बिल्कुल वेदों शास्त्रों की पुरानी है और पुराणों की है और हकीकत में क्या है वेद शास्त्र पुराण कुरान तौर तंजिल जुब्बूषण जितने भी धार्मिक पुस्तक है सब ये बात की निशानदेही करते हैं कि सबका मालिक वाकई एक ही है ज्ञान ध्यान देने के लिए ये जो धर्म के जो अधिकारी हैं जो अपने आप को जो है एक युग पुरुष बोल के बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अधर्म क्या, क्या, क्या आचार क्या इसका परिचय कराना ये हर इंसान की जिम्मेदारी है जो अपने आप को जो है धर्म के ठेकेदार अधिकारी समझते हैं ये सबका फर्ज है चाहे वो मंदिर में बैठने वाले पुजारी हो या गुरुद्वारे में बैठने वाले ग्रंथी हो या जो है आपके किसी भी जो है धर्म धर्म के मुकाम पर बैठने वाले हो उनका अपना फरीजा है यही जो है दुनिया में हकीकत में धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं रिप्रेजेंटेटिव अधिकारी कौन है आप देखिए परमेश्वर परमात्मा सारे ब्रह्मांड के लिए सबके लिए है ना सबका खालिक कुल मालिक कुल है ना वो किसी एक जात समाज के लिए तो नहीं ना सबके लिए है ना तो इसी तरह उन्हें धर्म भी जो है ना सबके लिए ही जो है उतरन वक्त या जब जब जरूरत पड़ी जब जब जहां जहां जरूरत पड़ी जिस जबान में जरूरत पड़ी वहां अवतारिक पुरुष भेज कर वहां पे उन्हें जो है ना किताबें देकर लोगों को जो है ना समझाने की कोशिश की तो हर युग में ऐसा होता हुआ तो जो धर्म के अधिकारी अपने आप को जो है सत्पुरुष समझते हैं काल पुरुष समझते हैं आपको ब्राह्मण समझते हैं ब्राह्मण क्या है ब्राह्मण दरअसल क्या है जो ब्रह्मा ज्ञानी हो ना

कि विद्या देना विद्या लेना दान देना दान लेना यगन करना, यगन करना ये उसके कर्म है और वही ब्राह्मण जो है सर्वजनो सुखी भवन आकाशम पति तम तो सागरम सर्वदेव नमस्कार क्योंकि ईश्वर जो है ना चमकने बरसने में जब भेदभाव नहीं करता तो ये ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को ब्राह्मण बोल के अपने आप को मुल्ला बोल के अपने आप को पादरी बोल के अपने आप को ग्रंथी बोल के ये सब का काम ये है कि वो कोई भेदभाव नहीं करे किसी के साथ जो है ना कोई ऐसा सुलूक नहीं करे परमेश्वर परमात्मा की संतान जो है परमेश्वर परमात्मा की जो संतान है जो जो एक एक औरत एक जो है मर्द से पैदा हुई परमेश्वर ईश्वर के पास तो कोई जो भेदभाव नहीं है उनके पास उसके पास भेदभाव है क्या वो जो है ना शोबे और खबायल बनाए कुरान ने कहता कुरान ये कहता है कि हमने शोबे और खबाइल इसलिए बनाए ताकि तुम लोग पहचाने जाओ इसलिए ही है लेकिन जब जब जो है जो जिसको जिस वक्त जैसी जरूरत पड़ी हम इंसानों के दरमियान जो ऐसे औतारिक पुरुषों को भेजकर इंसानों को सत और का परिचय कराकर जो है ईश्वर के हकी परिचय कराकर हमारी प्रार्थना के लिए हमने इंसानों को पैदा किया वहाँ खल जन्ना वाल इंसान इलाब सिर्फ हमारी इबादत हमारी फर्मा बरबरदारी के लिए पैदा हुए है हमारी फर्मा बरदारी के लिए पैदा हुए है इंसान तो खुदा की ये जो संतान है खुदा के पास कोई भेदभाव नहीं है तो हम कौन होते जो, जो है ना जो भेदभाव करके जो है अपने आप को पार्टते हैं बांटते हैं ये सबसे बड़ी हमारी जो है ना नॉलेज की कमी है हकीकत में इंसान जो होता है वो इंसान जो है जो हकीकत में जिसके पास ज्ञान है वही जो है ब्रह्मा ज्ञानी है और उसको ही ये अधिक ये जो है अधिकार है कि वो इंसानों के दरमियान हकीकत में धर्म का प्रचार करे हम ये बात जो है ऐसे ही नहीं कह रहे वेद शास्त्र पुराण सब पुकार पुकार कह कि गुरु लेनी विद्या गुद्धि विद्या अर्थम लेनी चदु व्यर्थम जपस्तपम व्यर्थम तीर्थम यज्ञ दानम तथे वचा गुरु तत्व विज्ञान सर्वम परे जब तप कर लो तीरथ कर लो यज्ञ दे लो दान दे लो रोजा रख लो भूखे रहो कुर्बानी दो खैरा दो कुछ भी कर लो अगर जो है तुमको एक सतपुरुष गुरु का तत्व सब व्यर्थ है जो सतपुरुष होता वो काल पुरुष होता काल का ज्ञानी होता काल का अधिपति होता अधिकारी होता युग पुरुष होता सत क्या है असत क्या है धर्म क्या है अधर्म क्या है आचार क्या है अनाचार क्या है इसका परिचय करा के मानव को ईश्वर मिला सारे लोगों से प्रेम करता वो जो है इंसानों से प्रेम करके जो है ना इंसानों को हकीकत में सही राह रास् पर लाने की कोशिश करता है तो हम जो है ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं ऐसे लोगों का वास्ते से दुआ कर रहे हैं कि हकीकत में हमें जो है जिस पर ऐ परमेश्वर परमात्मा जिस पर तेरा नजरे कर्म हुआ तेरी इनायत हुई उन लोगों का रास्ता हमको चला जो जो है ना हमारे लिए सत और सही रास्ते की जो है पैरवी करके रहबरी करके रहनुमाई करके हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचाते बहरहाल जो है बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं दीजो दान हरी गाऊं लेनी विद्या विद्या बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता तो गुरु जो होना है वो भेदभाव नहीं करना चाहिए वो किसी जात समाज को जात समाज को बांटना नहीं चाहिए पाटना नहीं चाहिए लिहाजा हम जो है ये बात की हमेशा से ही करते आ रहे हैं कि ये ऐ परमेश्वर परमात्मा जो जो सारे ब्रह्मांड का तू पालनहार है तू ही सृष्टि करने वाला है संहार करने वाला है पालन करने वाला है जन्म मरण में जो है ना तू जो है सबका मालिक खालिक है कुल है हमको जो है सत रास्ते पे चला ये हमारे पास हमारी हिंदू फिलासफी में अक्सर जो है अक्सर जो है लोग दुआ करते हैं कि अय परमेश्वर परमात्मा असतो माँ सत गमाया तमसो माँ ज्योतिर्गमाया मृत्युम माँ अमृतुम ओम शांति ही शांति ही शांति ये जो है ना हमारे मंदिरों से हमारे ब्राह्मणों से हमारे जो है हिंदुस्तान निवासियों से ये दुआ रोज करते हैं कि परमेश्वर परमात्मा तो हमें असत से की की तरफ ला। की तरफ ला ला से से अंधकार उजाले की तरफ ला और ये जो मुर्दा जिंदगी है जो है ना हमको अमर बना दे और हमें शांति दे शांति दे शांति दे ये इस तरीके से जो है दुआ करते हैं शांति दरअसल है क्या शांति को आप अंग्रेजी में पूछिए तो लोग कहेंगे पीस कहेंगे अगर उसे आप संस्कृत में कहेंगे तो शांति कहेंगे और उसे उर्दू में कहेंगे तो अमन कहेंगे और उसे अरबी में कहेंगे तो सलामती कहेंगे वही जो है इस्लाम है इस्लाम एक आफाखे पैगाम है जो सारे नस्ल इंसानी के लिए हिदायत का सामान बनकर सारे इंसानों को एक करने के लिए सम्रमा भिक्ष रूपाय न नदी नाले सब समंदर में जाके एक समान एक रूप एक टेस्ट एक रंग हो जाते हैं इसी तरह इस्लाम में दाखिल होने के बाद कोई भेदभाव नहीं रहता एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज बंदा ओ साहेब मोहताज सभी एक हुए तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए तो एकता और अखंडता के लिए शांति 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 रोज दुआ कर रहे हैं तो वो शांति दरअसल कलयुग के अधिपति अधिकारी अवतारिक पुरुष कल के अवतार आखिरी नबी अंतिम ऋषि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाह है मोहम्मद सल्लम है जिनका कलमा जो आओ एक कलमे की तरफ जो मैंने आयत पढ़ी है वो कलमा है लाइलाहा रसुल्ला हमने कई जो है श्लोक मंत्रों में सुना रोज जो है हमारी जो है मंदिरों से ये भजन जो है रोज हम सुनते हैं कि ये गायत्री मंत्र ओम भोर भो स्वाहा सत्सवितर वरिण्यम भरगो देवस्या धीम धियो यो नहात ये रोज हम मंत्र सुनते हैं इसका मतलब और अर्थ क्या है जानते हो कि इसका अर्थ और मतलब यह है कि परमेश्वर परमात्मा से इंसान जो जो है ये ये भजन पढ़कर श्लोक पढ़कर दुआ कर रहे हैं ये मंत्र पढ़कर के परमेश्वर परमात्मा तू हमें जो है ऐसा रास्ता बता जो हमारे लिए मुक्ति मोक्ष का सामान हो वो क्या है क्या है वो कि वो जो है ना हमारे एक जो है दिल की गीता वालों ने उसका तर्जुमा किया है अभी जबान पे नहीं आ रहा है वो, वो जो है ओम भूर्वितर भरगो देवस्या धीम ही प्रचोदया हाँ आ गया मेरे प्रभु प्राणेश मल्हारी तुम्हें आनंद सागर हो प्रकाशक देव सविता विश्व नाटक नाट्य नागर हो तुम्हारे रूप अनुपम तेज का हो ध्यान हित हमको रोज दुआ कर रहे हैं दुआ करने के बाद हिंदू फिलॉसफी के अनुसार अंत में एक आखिरी नबी लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं उसकी भविष्यवाणी है और वो आने के बाद फिर भी अगर नहीं समझ पाए तो ये बताइए किसका कसूर है हम क्या करें बताइए आप हम तो जो है ना वेद शास्त्र पुरान खुरान तौर तिनजील जुबुरेस्टमैन न्यू टेस्टमैन ऐद नाम जदीद ऐद नामजिल अरबा धमोपत और जो है ना जिंदा वस्ता ये सारी धार्मिक पुस्तकों के जो है ना हम लोग ज्ञानी हैं हम सारी धार्मिक पुस्तकों में कहा के सबका मालिक एक सबका ईश्वर एक है एक और जगदीश्वरा जगत का ईश्वर एक है और जगत का जगत भी एक है तो जगत का गुरु भी एक है और सारे अवतार जो है सत्य है, सारे अवतारिक पुरुष सत्य सारे धर्म ग्रंथ सत्य है और सब मिलकर जो है एक प्रार्थना ऐसी करो जैसे कि परमेश्वर परमात्मा मानव को जो है कैसा बनाया आप बताइए परमेश्वर परमात्मा मानव को जो बनाया है वो सारे ब्रह्मांड का सार एक जगह कलश करके आत्मा संबोधित आकाशम आकाशाद वायो वायोर अग्नि अग्नि रपा तद्भवे पृथ्वी पृथ्विया धनम अन्नादर रिता रित सारे ब्रह्मांड को कलश कर अपने परिचय के लिए अपनी सूरत में अपने औसाफ देकर अपने गुण देकर अपनी फितरत में अपनी सूरत में इंसान को एक शाहकार बनाया और बना के बोला ये चलती फिरती जो मट्टी की मूर्त है ये जो है ये शाहकार दरअसल मेरी सूरत है मेरी मूर्त है और जब इंसान जो है मेरे औसाफ, मेरे गुण इख्तियार करके जमीन पे असत्य धर्मी अनाचार को खत्म करके सत का परिपालन करता है सत्य जो है धर्म का का स्थापन करता है तो मैं जो है ना उसके अंदर से प्रकट होकर इंसानों को भले बुरे की पहचान कराकर इंसानों को जो है ना जब मेरे पास इंसान जब आता है तो मैं और मेरे देवदूत फरिश्ते जो है ना उसका वेलकम करके उसके लिए जन्नत की बा, बाग बहार जो है उसके लिए है तो इस तरह जो है इंसानों को इस चीज की हकीकत को जानना चाहिए अगर इस हकीकत को नहीं पहचाने इस हकीकत को नहीं जाने तो आदमी आहार निद्रा भया में थुलानी समानी नाराणाम पशु नाम ना, अरे गिना नाम नारा नाम अधिको विशेषो गई ना पशु समानी अरे आहार निद्रा भया ये तो जानवर में भी जानवर में भी इंसान के अंदर भी है जानवर में दोनों में कम्बाइंड है अगर इंसान के अंदर कोई चीज अधिक है तो वो क्या है ज्ञान है इरफान है अल्लाह की पहचान है अगर वो नहीं है तो पशु भी समान है ये ज्ञान देने के लिए हर समय पर जो है ना इंसानों के जन्म से व्यक्ति खड़े होते हैं और जब उनकी बात मानूंगे मानेंगे तब तब आपको जो है ना राह राहत और तो मंजिल मकसूद मिलेगी वरना जो है ना आप पशु भी समान के अंदर आपकी गिनती होगी आपकी कोई गिनती नहीं होगी आप देखिए मिसाल के तौर पे ये युग में युग के अधिपति है प्रॉफिट मोहम्मद अब आप देखिए आप जितने मुसलमान हैं क्या वो लोग किसी जात समाज के लोगों से भेदभाव करते हैं हकीकत में नहीं है सच्चा मुसलमान तो ये वो है जो किसी के साथ जो है ना भेदभाव नहीं करता अल्लाह ताला की संतान से प्रेम करता है अल्लाह की जो भी मखलूक खुदावंदी है उसकी खिदमत करने को अपनी इबादत समझता है और समझना भी चाहिए हर इंसान को जो है मानव सेवा माधव सेवा क्योंकि दिगर जो है ना किताबों में ये बात लिखी हुई है कि खुदा की इबादत है तो इंसानों को जो है ना सत और असत का परिचय करा कर जो है आज के जो युग के अधिपति हैं उनके चरणों में लाना ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है तो ये जो कर रहे हैं आप देखिए आप आप गौर करिए कि ये युग का जो महामंत्र है हाह हा दरअसल जो है ना ओम भोर भो साहा सवितर वरिण्यम भरगो देवस्या मही यो हा हु। क्या है ये इज़ द शार्ट फॉर्म ऑफ लाइलाहा शार्ट फॉर्म है हा हा हु हीगा ही तो आप ये जो कलयुग के अधिपति अधिकारी हैं युग पुरुष हैं काल पुरुष हैं ये उनका ये मंत्र है उनके चरणों में मुक्ति मोक्ष है आप देखिए जो है ये ये जो है आओ एक कलमे की तरफ बोल दो कैसा है आप देखिए त्रिशूल जब ईश्वर के हाथ में त्रिशूल देखते हैं तो कैसा ये देखिए आप आप ये देखिए ऐसा मालूम हो रहा है कि ये जो है ना असल ये, ये कलयुग का महामंत्र है ये क्या है ये कलयुग का महामंत्र लाइला ला मोहम्मद रसुल्ला है ऐसा मालूम हो रहा है कि कुछ जो है ना त्रिशूल है आप बताइए कहा भेदभाव है या परमेश्वर परमात्मा के पास भेदभाव होता अरे वो चमकने बरसने में जब भेदभाव नहीं करता तो धर्म में कैसे किस तरीके से करता है ये चीज कुछ समझने की जरूरत है और आज देखिए आप आप देखिए जो कल के अवतार हैं प्रॉफिट मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चरणों में मुक्ति मोक्ष कैसी है आप देखिए आप जितने जो है मुसलमान अनु हैं जो उनको सच तरीके से मानकर उनका उनका जो है पालन करके जमीन पर इंसानों से प्रेम करके अगर वो मर भी गए मृत्यु अमर हो गए ता है तो शमसो खमर उनका नाम बाकी है उनकी समाधि बनती है लोग उनकी दरगाह पे जाते हैं अपना सर जो है फोड़ते हैं कि अपनी जो है मनोकामनाएं पूरी करने की उनसे ख्वाहिश रखते हैं तो आप बताइए ये युग में जो आखिरी अंतिम ऋषि हैं जो दया सागर हैं जिनको रहमतुल्ला आलमीन कहा तो वो दया सागर के चरणों में जब अपने आप को अर्पण करते हैं और सत ये जो है कि हृदय से सच्चे दिल से जब उनको मानते हैं तो जो है आप अमर हो जाते हैं और आपकी समाधि अगर आप मर भी गए तो आपकी समाधि बनती है और ता है तो शमसुमर जो है लोग आपके जो है ना फूल सूखने नहीं देते आपके झंडे करते हैं आपके कुंडे करते हैं आपकी दरगाह बनाते हैं आपके फूल पे फूल उछावर करते हैं और आपसे मनोकामनाएं अपनी तमन्ना जो है ना अपनी जो है अपनी ख्वाहिश ये कर रखते हैं कि जो है ना आपसे हमारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो इस तरीके से जो है ना कल के अवतार के चरणों में इस अंदाज से जो है ना मुक्ति मोक्ष है ये युग पुरुष अब आज के युग पुरुष अब सिर्फ और सिर्फ कोई ब्रिटिश करेंसी चलती है ना कोई निजाम करेंसी चलती अब करेंसी चलती है तो अब इंडियन करेंसी चलती है हिंदुस्तान में इसी तरह धर्म धर्म के आधार पर अगर कोई जो है युग के अधिपति अधिकारी है सतपुरुष है काल पुरुष है तो वह अंतिम ऋषि लास्ट प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाह है जिनके चरणों में मुक्ति मोक्ष है जो शख्स भी जो है ना सद्भावना से देखिए हकीकत में वेद का जो है ना एक सारांश है कि एक सतपुरुष जब सद्भावना से हमारी प्रार्थना करता है तो हम उसके हृदय में रहते हैं ना हम जो है ना वेद के वाक्य से मिलते हैं ना किसी बाजे बजंतरी में मिलते हैं यहां तक के किसी योगी के हृदय में भी नहीं है हम लेकिन एक सतपुरुष सद जब सद्भावना से हमारी प्रार्थना करता है तो हम उसके हृदय में रहते हैं तो परमेश्वर परमात्मा सारे ब्रह्मांड में एक सदभक्त के हृदय में रहता है श्री हनुमान जी से पूछे रामचंद्र राम प्रभु कहाँ है तो आपने सीना चीर के बताया देखो कहाँ है मेरे हृदय में वासुदेव भगवती सत्मूर्त हृदय स्थिति एक सदभक्त जब सद्भावना से ईश्वर परमेश्वर परमात्मा की प्रार्थना करता है तो ईश्वर उनके हृदय में रहते हैं तो इसी तरह हृदय में ईश्वर परमेश्वर परमात्मा को बिठाना है तो युग के अधिपति अधिकारी के चरणों में महामंत्र महा है बाद अब आपको जो है ना दोबारा जो है मौत नहीं होगी और आप मर भी जाए तो अमर हो जाए वो है लाइला ला मोहम्मद रसुल्ला मंत्र वो है जो कलयुग का महामंत्र है जो जो है ना आपको कैसा कैसा आप गौर कीजिए ऐसा मालूम होता है कि मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी जो कुरान दरअसल क्या है कुरान कुरान दरअसल आकाशवाणी है अल्लाह का पैगाम है जमीन टल सकती आसमान डल सकता लेकिन अल्लाह का पैगाम नहीं डल सकता यदा, यदा, यदा के धर्मस्य के अनुसार हर समय पर पुरुष आते रहे जमीन टल सकती आसमान डल सकता लेकिन परमेश्वर परमात्मा का जो है कलाम कभी भी गलत नहीं हो सकता हर समय पे युग पुरुष आते रहे तो कलाम क्या है 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 कृष्ण जी की वाणी वाणी गीता है, अरे वो ईश्वर वाणी है तो हर समय पे के अधिपति आए ना आते रहेंगे ना तो इसी तरह कलयुग में कलयुग के अधिकारी आने की भविष्यवाणी है तो क्यों हम नहीं माना जाता क्यों नहीं मानते तो हमको मानना चाहिए ना अल्लाह तला ने हमको जो है ना सारे ब्रह्मांड का सार चौरासी लाख जू का पिंड ईश्वर का जो है अपना उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो पहचाना जाए तो इंसान को बनाया उसने सारा ब्रह्मांड इसके अंदर अग्नि है जल है वायु है पृथ्वी है सारा ब्रह्मांड है कुत्ता है बिल्ली है शेर है घोड़ा है गधा है इंसान के अंदर कापर है ब्रास है लीड है जो जो है ना हर चीज सारे ब्रह्मांड का चौरासी लाख का पिंड है मानो सारा ब्रह्मांड है इस बात से इंसान जो है ना शेर के साथ बहादुर भी है कुत्ते के साथ वफादार भी है बिल्ली के लोमड़ी के साथ मक्कार भी है परिंदे की तरह उड़ता भी है बंदर की तरह नखाल भी है मछली की तरह तीरता भी है परिंदे की तरह आसमान पर भी उड़ता है सारा ब्रह्मांड इसके अंदर है अग्नि है जल है वायु है पृथ्वी है और ये सारा जो है ना संतुलन बरकरार रखने के लिए एक सम्मेल प्रार्थना है वो कल के अवतार की प्रार्थना कैसी बताए देखिए आप सारे धर्मों के लोग एक एक तरीके से पूजा कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं कोई जो है ना खड़े रह के कर रहा है कोई दंडम कर रहा है कोई झुक के कर रहा है लेकिन ये सम्मेल प्रार्थना ऐसी है जो श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को बोध करते हुए बोले है अंजनलु तू तू जो है ना मेरे, मेरे वो सवाल करते हो ना मेरा समय है कोई ऐसी बात बताइए जो मेरे लिए हिदायत का सामान हो जाए तो बोलते अंजनलु तेरे अंदर सारा ब्रह्मांड है तेरे अंदर अग्नि है तेरे अंदर जल है तेरे अंदर वायु है तेरे अंदर पृथ्वी है तेरे अंदर सारा ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड है और सारा ब्रह्मांड परमेश्वर परमात्मा की पूजा में है तू अगर इस अंदाज से पूजा करता है तो गोया तू जो है सारे ब्रह्मांड को लाकर मेरे ईश्वर के सामने झुका रहा है तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने प्रथमम तारकम चेवा चम दंडम उच्चतेंडलाकार चतुर्थम बिंदु संयुक्तम ओम बिंदु ज्योति ज्योतिरूपकम अगर ज्योतिरूप प्रार्थना अपने हृदय में को जो है रोशन करना है तो ऐसी प्रार्थना कर ऐसी प्रार्थना कर के जो सम्मेल प्रार्थना है जो सारा ब्रह्मांड कर रहा है देख तू अग्नि को देख जैसे जो है ना उसको जलाया जाता है तो तो है तारकम प्रार्थना में खड़े हो जाती है अग्नि के बाद तू दंडम पानी को देख पानी हमेशा से दंडम प्रार्थना में है वो जो है दंडम करते हुए जा रहा है और तेरे अंदर पानी है अग्नि है वायु है वायु वायो जिससे सबको झुकाते जा रही है तू भी जो है ना उसके सामने ऐसी झुक जा पृथ्वी है पृथ्वी जैसा जो कुंडलाकार मार के बैठी हुई है आप सांप को देखो अग्नि को देखो जल को देखो पृथ्वी को देखो जितने चीजें हैं सब परमेश्वर परमात्मा की पूजा में है तो इस तरह एक सम्मेल प्रार्थना प्रॉफिट मोहम्मद अंतम ऋषि आखिरी नबी ने आकर बताया जो सारे जात समाज में एक समान है आओ एक कलमे की तरफ कैसा कलमा है ये ये कलमा ऐसा वर्ड है जो सारे नस्ले इंसानी के दरमियान जो है एक समान है वो जो है कल के अवतार जो अंतिम ऋषि आखिरी नबी हैं आके उन्होंने पूर्व पूर्व कर दिया हर चीज पूर्व कंप्लीट हो गई समंदर जो है ना अब किसी चीज का मोहताज नहीं रहता समंदर में जाके सब एक समान हो जाते हैं इसी तरह वो जो है सूर्य सूर्य समान वो जो है अंतिम ऋषि लास्ट प्रॉफिट आखिरी नबी सूर्य नारायण सिराज मुरा मुनीरा शमसुल बदरुद्जा हजर अक्रम सल्लाम आखिरी नबी हैं उनके चरणों में मुक्ति मोक्ष है ये सारे जो है कोई भेदभाव नहीं है हमारा आखिरी पैगाम ये है कि एक हो जाओ सभी एक है अल्लाह सबका सारे अवतारों और नबियों को खुदा ने भेजा एक हो जाओ सभी एक है अल्लाह सबका सारे आलम के लिए सरवर आलम है एक सारे अवतार और नबियों को खुदा ने भेजा उन पे नाजिल जो हुई सारी किताबें सब छे अपने अल्लाह को करो याद सब मिलकर एक था इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है सबसे खास बात यह कि अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा कि चिश्ती ने जिस ज़मीन पर पैगाम हक़ सुनाया नानक ने जिस जमीन पर वहदत का गीत गाया तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया और जिसने हिजादियों से दस्त अरब छुड़ाया मेरा वतन वही है मेरा वतन यही है वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन यही है मेरा वतन यही है हिंदुस्तान हमारा एक धार्मिक देश है धर्म के आधार पर हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म हमारी रक्षा करेगा धर्मों रक्षित रक्षिता अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करें और धर्म हकीकत में धर्म क्या है अधर्म क्या है आचार क्या है अनाचार क्या है सत्य क्या है असत्य क्या है इसका अगर जो है हम ज्ञान नहीं लेंगे तो लाजमी तौर पे हमें मुक्ति मोक्ष है ना हम जो है इंसान कहलाने के खाद लिहाजा ये बात कहते हुए बाखिर उदादुल्ला इतनी बात खत्म 你。